अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत मौजूद है जो बहुत से मारूफ लोगों के उरूज के जिम्मेदार, ऐसी शख्सियत कि जिनके बारे में इनके भी सीनियर कहते हैं कि अगर कुछ सीखना है तो इस शख्स के पास है। बहुत से बड़े बड़े लोग आज भी इनके पास आके अपनी एक्टिंग की सलाहियतों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। हमारे लिए, महफिल तलबा के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि आज हम ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली द ग्रेट मिस्टर आसिफ इलियास। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तुमने जितना ज़्यादा मेरे लिए कॉर्निश बजा लिया है, तुम बार बार करीज़ों की तरह, उस खुलूस का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल नाफे, तुम्हारा नाम वाकई तुम्हारे इसमें बहुत समा हो। ये नाम किसने रखा था? सर, मेरे वालिदैन बताते हैं कि मेरे ताया ने रखा था। अच्छा, ताया ने रखा था। आज तक वैसे तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि ताया ने नाम रखा हो। ये ताया को तुम जो है इतने ज़्यादा भाग गए जो, और तुम्हारा जो चेहरा इतना भाया, उन्होंने कहा मैं ही रखूँगा। तब मैं ताया से, सर मैं पूछूंगा, मैं आपको लाजमी बताऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब आप ये बताएं कि किसको कट करो, वहीं से पढ़ा। सर बिल्कुल, इतनी सादा तबीयत, बहुत से लोगों के उरूज के जिम्मेदार, सर किस तरह से मुमकिन है और किस तरह से अपने आप को आप बिल्कुल ज़मीन पर रखते हैं? क्योंकि आप, जैसा मैंने पहले कहा, या तो आप एक ड्रामा करके इतना से लाइन बोल के भी आसमानों पर पहुँच जाते हैं, फिर बता दें सर आप किस कामयाबी का। नहीं नहीं, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना किसी उरूज में हूँ, ये तो सब अल्लाह का एहसान है। और सादा मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं मेकअप नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं सादा हूँ। और बाकी ये है कि लोगों को नज़र आता है आसिफ भाई जैसे पहले थे, ऐसे अभी तक हैं। मैं काफ़ी बदल गया हूँ, काफ़ी बदल गया हूँ मैं, और मैं सादा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये मैं हल्किया कह रहा हूँ, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि मैं सादा हूँ और मैं बिल्कुल नहीं बदला, मैं जैसा पहले था मैं अभी हूँ, इसका मतलब है वो भी नहीं बदला। उनका भी जाविया निगाह वही है जो मेरा पहले था। बस ये है कि कोशिश रखते हैं अपने आप को कि जहाँ हैं वहाँ हैं। अपनी हद पता है मुझे कि मैं इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकता। मेरी जेब में अगर 2 रुपये हैं तो मुझे फिर जो है वो अफोर्ड नहीं करनी कोई बड़ी गाड़ी। मुझे पैदल चलना भी गवारा हो जाएगा। मुझे अगर मेरी जेब में 10 रुपये हैं तो मैं 5-स्टार होटल में खाना नहीं खाऊँगा। मुझे पता है कि यार फिर जेब में 10 रुपये। ये चीज़ें जो है वक्त और हालात भी सिखाते हैं और तरबियत के साथ में दिखाते हैं। तो ये पेरेंट्स की गाइडेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं यहाँ अपने वालदैन को क्रेडिट देना चाहता हूँ, अपने साथियों को क्रेडिट देना चाहता हूँ। उनका बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त के। सर आपकी ये बात सादर जितनी इजाज़त देती है, इंसान उतने पैर हिला, इंसान उतने पैर हिला, और इंशाल्लाह तो हमें मर्ग इस बात को फॉलो करेंगे। सर आपकी शागिर्दी में, जैसे मैंने आपसे पहले भी गार्ड डालना चाहते हैं, हमने तो दे दी आपको अपनी शागिर्दी में, आप हमें कबूल करवाए, अपना दस्त शफकत हमारे सर पे रखें। और सर हमें भी एक उन किरदारों में, उन लोगों में शामिल करवाएं जो आपकी दस्त शफकत से फैजयाब हो और आज एक अच्छा काम सोसाइटी में एक अच्छा मकाम। भाई मैंने कोई मेंबरशिप तो रखी हुई नहीं है, जितने भी लोग हैं वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जैसे बहुत सारे लोग हैं, सीमा नज़र साहब हैं, वो अक्सर लोगों को रेफ़र कर देती हैं, और दीगर लोग हैं। मार्केट में ये फैला हुआ है कि भाई आसिफ इलियास के पास चले जाएं तो वो आपके पास है। तो मैं भी किसी को नहीं कहता नहीं यार आप कहाँ आ गए मेरे पास। अल्लाह ताला इज़्ज़त रख लेता है, अल्लाह ताला ने भरम रखा हुआ है मेरा। तो जितने भी तलबा और तालिबात हैं लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। वैसे मेरा जो बुनियादी आजकल शोभा है वो बच्चों के हवाले से, क्योंकि मैं बच्चों का शोभा रखा है, बच्चों की दुनिया बच्चे हैं। लेकिन अगर वो बड़े भी हैं तो भाई मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं तो थिएटर भी करता हूँ और दीगर एक्टिविटीज भी हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अच्छे लोगों से मिलकर, क्योंकि हमें नहीं पता होता किसके साथ हमारा कौन सा नसीब जुड़ा हुआ है या कौन सी अच्छी बात खुशी जुड़ी हुई है। खुशियाँ समेटें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ तकसीम करें, तो आपकी खुशियों में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं आपसे। मैं भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जजाक अल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे आसिफ इलियास साहब को। हम बहुत फ़ख्र हैं, बहुत महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज आपको आपको ये बता दें कि वो आज के प्रोग्राम के होस्ट भी थे। तो दोस्तों बस यही दरख्वास्त आपसे कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, ऐसे लोगों के लिए दुआ करें जो पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की भलाई के लिए और उनकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। आसिफ भाई का मैं ज़रूर नाम लूँगा, उनके लिए ज़रूर दुआ करें, कि वो एक बहुत ही सादा तबीयत शख्सियत है। वो कहते नहीं हैं पर वो हैं, और अल्लाह उनको बहुत लंबी उम्र दे और वह ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहें और पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तानियों की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और दोस्तों जाते जाते वही दरख्वास्त जो लास्ट टाइम भी की थी अब भी करेंगे,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करें, घंटी का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हर रोज हमारी आने वाली नई वीडियोस हैं जो हमारी नया हम इजाफा करते हैं आपकी मालूमात के लिए, जो हम नई वीडियोस लगाते हैं आपकी मालूमात में इजाफे के लिए, वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब जरूर करना है, घंटी का बटन जरूर दबाना है मेरे भाई और उनकी बहनी। बहुत शुक्रिया।